नमस्कार, कैरियर न्यूज में स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के बारे में, जो आई है आपको इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, एमपी में सिचुएटेड है, अमरकंटक में। सो आइए इसका डिटेल देख दे। देखिए, अप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 15 जुलाई को और ऑनलाइन अप्लीकेशन का लास्ट डेट जो है, क्लोजिंग डेट, वो 14 अगस्त 2023 तक चलेगा। यानी 14 अगस्त 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। और हार्ड कॉपी जो सेंड करना आपको स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट से, वो 21 अगस्त 2023 तक आपको हार्ड कॉपी सेंड कर देना है, ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए। इसमें गिवन एड्रेस है इस यूनिवर्सिटी के। अब देखिए, यहाँ सैलरी के बारे में जिक्र है। तो देखिए, प्रोफेसर के लिए जो सैलरी का लेवल है CPC 7th के अकॉर्डिंग 14th लेवल का पेमेंट होने वाला, फिर एसोसिएट प्रोफेसर का, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का, और यहाँ टोटल वैकेंसी भी दी गई है। तो देखिए, टोटल जो प्रोफेसर की वैकेंसी 23 है, एसोसिएट प्रोफेसर की 21 वैकेंसी, असिस्टेंट प्रोफेसर की 37 वैकेंसी है। यह डिपार्टमेंट और सब्जेक्ट वगैरह दिए गए हैं। तो देखिए, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चरल आर्कियोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है। कैटेगरी आप देखते चलेगा, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा, हम फटाफट देखते हैं इसको। बायोटेक्नोलॉजी में पोस्ट हैं एसोसिएट प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, फिर बॉटनी में एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। बिजनेस मैनेजमेंट में प्रोफेसर की वैकेंसी है, केमिस्ट्री में प्रोफेसर की वैकेंसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर उसके बाद कॉमर्स में एसोसिएट प्रोफेसर, कंप्यूटर साइंस में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, फिर कंप्यूटर साइंस में प्रोफेसर की वैकेंसी है। यहाँ RCM इकोनॉमिक्स में देखें तो एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। एजुकेशन में देखें तो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश। फिर उसके बाद देखिए, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 वैकेंसी है। एनवायरमेंटल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है, फिर ज्योग्राफी में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, हिंदी में प्रोफेसर की वैकेंसी है, हिस्ट्री में एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। होम साइंस में देखें तो प्रोफेसर की वैकेंसी है, जर्नलिज्म में, मास कम्युनिकेशन में प्रोफेसर की वैकेंसी, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, लिंग्विस्टिक एंड कंट्रास्टिव स्टडी ऑफ ट्राइबल लैंग्वेज में एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, मैथमेटिक्स में प्रोफेसर की वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, फिर म्यूजियोलॉजी में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, नर्सिंग में देखें तो प्रोफेसर की वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, परफॉर्मिंग आर्ट में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है, फिर फार्मेसी में देखें तो एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर है, फिजिकल एजुकेशन में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। फिर देखें तो फिजिकल एजुकेशन में आप देख सकते हैं प्रोफेसर की वैकेंसी है RC में, फिर एसोसिएट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स में है, और फिर आपको पॉलिटिकल साइंस एंड ह्यूमन राइट्स में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस और ह्यूमन राइट्स में प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। इसमें देखिए, ये वैकेंसी रिपीट हो रही है, चूँकि ये आपको इस यूनिवर्सिटी के कैंपस के साथ साथ आपको इसका जो कैंपस है नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर वगैरह में, वहाँ तो इस मध्य प्रदेश के कैंपस के साथ साथ आपको मणिपुर और नागालैंड वगैरह में भी पोस्टिंग होगी इस रिक्रूटमेंट के थ्रू, जो वहाँ पे कैंपस है रीजनल कैंपस। फिर साइकोलॉजी में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सोशल वर्क में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, स्टैटिस्टिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है, टूरिज्म में प्रोफेसर की वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है, ट्राइबल स्टडी आर्ट्स कल्चर एंड फोक लिटरेचर में भी वैकेंसी है, यहाँ देख सकते हैं प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। योगा में एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट हैं, और जियोलॉजी में प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, यहाँ एब्रिविएशन वगैरह दिया गया है। इसमें जो है, देखिए आपके जो डिग्री वगैरह है उसके स्कोरिंग के आधार पे मेरिट बनेगा, उस मेरिट के आधार पे कॉल किया जाएगा, और जो रिक्रूटमेंट होगी वो आपके इंटरव्यू में जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पे आपकी रिक्रूटमेंट होगी इसमें।
और नीचे देखिए सारी क्वालिफिकेशन वगैरह दिया गया है, स्पेशलाइजेशन वगैरह दी गई, इसको पढ़ लीजिएगा। फ़ी की बात करें तो इसमें 1000 फ़ी लगने वाला है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आइदर पीएचडी और नेट होने वाला है, यानी अगर आपके पास नेट है तो पीएचडी मैंडेटरी नहीं है, और जो लोगों ने पीएचडी करा है 2016 और 2009 की रेगुलेशन के हिसाब से उनको असिस्टेंट प्रोफेसर में नेट में एग्जेम्पशंस मिल रहा है, इसको देख लीजिएगा। और देखिए यहाँ हाउ टू अप्लाई वेबसाइट गिवन है, हालांकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हैं या गूगल पे सर्च करके जा सकते हैं। आपको रजिस्टर पोस्ट के लिए प्रोफार्मा इस तरह से लिखना है कवर पेज पे इनवेलप के, फिर आपको सेंड करना है अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह के साथ में अपनी हार्ड कॉपी का अप्लीकेशन फॉर्म, है ना। फी देखिए 1000 फी होने वाला है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी वीमेन ट्रांसजेंडर से कोई फी नहीं लिया जा रहा।